2016 में हुआ, जहाँ तो 2012 से ही रही थी। और गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया। वी वर बॉर्न अलोन, वी विल गो अलोन। तो ये जो लाइफ की जर्नी में जो हमें रिश्ते मिलते हैं ना, माँ बाप, भाई बहन, हस्बैंड, बच्चे, इनका सबका एक रोल होता है। और जब हम इस लाइफ की जर्नी से जाते हैं तो सिर्फ गुरुजी होते हैं हमारे साथ। सो मेरे मॉम डैड जाया करते थे गुरुजी के, तो डैड ने मुझे बोला, 2012 से पहले की बात है ये, कि दैट यू शुड ऑल्सो गो, तुम्हें जाना चाहिए गुरुजी के, एक बार जाओ। मैंने कहा आपको क्या हो गया, आप तो बचपन से शिव जी के जाते थे, अब ये गुरुजी से कैसे कन्वर्ट हो गए। तो डैडी बोले कि वो भी शिव जी ही हैं, तुम जाओ तो सही एक बार। मैंने कहा देखिए मैं तो गुरुजी के और इन गुरुओं को तो मानती नहीं, मेरा मैं गुरुद्वारे जाती हूँ तो वहीं जाऊँगी मैं, मेरा गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं। तो डैडी ने बोला नहीं, यू विल गो वन डे, आई एम श्योर यू विल गो। सो मैंने मेरे हमारे पास में नेबर्स रहते थे, वो जा रहे थे गुरुजी के, तो मैंने बोला डैडी इतना बोल रहे हैं तो एक बार चलो जाके देख लेते हैं। तो वहाँ पे फिर मैं गई, मेरा कोई ऐसा कनेक्शन नहीं हुआ, मैं वापस आ गई, रैदर मुझे हंसी और आई। आके मैंने डैड को बोला कि मैंने कहा ये गुरुजी थे, कैसा इनका डेकोर था और इतना इन्होंने गुरुजी के, जैसे हमारे दिमाग में इमेज होती है ना कि गुरुजी बड़े तो साधु बाबा एंड ऑल दैट टाइप्स, तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं है और मैं वापस आ गई। सो इन 2012 आई लॉस्ट माई फादर। सो उनकी डेथ के 2 मंथ्स बाद ही मैंने जाना शुरू करा, पर जानने और मानने में फ़र्क मुझे काफ़ी देर बाद पता चला गुरुजी का। तो 2012 के बाद मैंने एवरी मंडे आई यूज़ टू गो टू गुरुजी, मुझे सत्संग या किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी। 2012 के बाद मैंने जाती थी, एवरी मंडे जाती थी, तो मुझे कुछ ना कुछ वहाँ से मिल जाता था। प्रवीण अंकल बाहर होते थे, कभी हर तरह की माला मिल जानी, लॉकेट मिल जाना, स्वरूप मिल जाना, तो धीरे धीरे घमंड आ गया, जैसे कि हम गुरुजी वाले हैं वैसा घमंड आ गया। और सारी चीज़ें मुझे मिली जो जो मेरी इच्छा थी, कि मुझे ये स्वरूप मिले, ऐसा स्वरूप मिले, ये माला मिले, लेकिन जब गुरुजी के चरण स्वरूप की बारी आती थी तो मेरा हमेशा वो खत्म हो जाते थे। मैं भी भूल गई, टाइम निकलता रहा, लाइफ की जर्नी चल रही थी, घमंड आता गया कि हम तो गुरुजी वाले हैं, हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम गुरुजी वाले हैं। तो ये चीज़ अंदर घर करती गई, प्रॉब्लम्स पहले भी थी, नानक दुखिया सब संसार, सभी के पास प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स अब भी हैं, पहले भी थी, बट उनको टैकल करने का वे बहुत डिफरेंट हो गया था। और जो गुरुजी के बहुत क्लोज होते हैं, जो महाशिव के बहुत क्लोज होते हैं, लाइफ की सबसे ज़्यादा हर्डल्स और प्रॉब्लम्स उन्हीं को दी जाती हैं, वो ही झेल सकते हैं जो जिनको दी जाती हैं प्रॉब्लम्स। 2016 अक्टूबर के स्टार्टिंग में मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा आप तो सबको, कभी किसी को रोटी में दिख जाते हो, कभी ओम में दिख जाते हो, कभी कहाँ दिख जाते हो सपने में। मैंने कहा ना मुझे आप कभी चपाती में दिखते हो, मैं देख देख के थक गई, ना मुझे आप कभी सपने में आते हो। तो अक्टूबर 2016 में गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और मुझसे काफ़ी गुस्से में थे वो। आई हैड अ लॉन्ग हेयर, मैं कभी यूजुअली अपने हेयर बालों को बांधती नहीं थी, बट इन दैट पर्टिकुलर ड्रीम आई वॉज टाइंग माई हेयर। और मैं गुरुजी एक शिवजी के मंदिर में चल रहे थे, सारी संगत उनके साथ थी, मैं भाग के संगत के बीच में से जाके उनके पैर छूने की कोशिश करती हूँ, वो बहुत स्पीड से चल रहे हैं और मेरे बाल पकड़ के खोल देते हैं जोर से, तो झटक देते हैं गुस्से में, और मेरा सडनली सपना टूट जाता है। और मेरे को लगता है क्यों गुरुजी मुझसे गुस्से में है इतना, मैं भी भूल गई ठीक है कोई बात नहीं, ड्रीम में तो दिखे, वही घमंड चल रहा था, आए तो सही दिखे तो सही। सेम अक्टूबर 2016 मिड ऑफ अक्टूबर मैं फ्रेंड्स के साथ डांडिया नाइट पे जा रही थी, सो आई वॉज टेकिंग अ सेल्फी और मैं फेंट हो गई वहाँ पे। फेंट होने के बाद नेक्स्ट डे मैंने, मेरे को थोड़ी चोट वगैरह आई, नेक्स्ट डे मैंने अपनी मदर को बताया, फैमिली में बताया, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर से बात करते हैं, क्योंकि माइग्रेन इशू तो रहता ही था। तो डॉक्टर से बात करा, उन्होंने बोला कि आपको MRI कराना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बता सकते हैं। सो मैंने बोला कि MRI तो मैं करा ही नहीं सकती, दैट इज़ रियली अ टफ जॉब, 45 मिनट्स आप मुझे एक मशीन में डाल देंगे और मेरे को कुछ हो ही नहीं सकता ना, मैं मम्मी को बोल रही हूँ भाई मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, मैं गुरुजी वाली हूँ। कह रहे थे तो कराना तो पड़ेगा ना, तो जैसे बोलते हैं कि 90% कर्म गुरुजी ले लेते हैं, 10% तो हमें काटने ही पड़ेंगे।
चलो जी फिर MRI कराया, 45 मिनट्स मशीन में डाल दिया। मैं जय गुरु जी बोलती रही, मैं कहा कुछ होना तो है नहीं, सारे लोग पागल हुए हुए हैं। तो रिपोर्ट्स आई तो मुझे पारस हॉस्पिटल में डॉक्टर VS मेहता के पास भेजा गया, एंड इट वॉज अ ब्रेन ट्यूमर, दैट इज द लास्ट स्टेज। आई हैड जस्ट 1 month ऑफ लाइफ एंड दैट वॉज नॉट क्योरेबल। आई हैड 2% चांसेस ऑफ सर्वाइवल, जिसमें बोला गया था कि अगर मैं सर्वाइव हो भी गई तो राइट साइड ऑफ द बॉडी विल बी पैरालिटिक। इट वॉज शॉकिंग फॉर एवरीबडी, फॉर फैमिली, फॉर फ्रेंड्स एंड एवरीबडी, बट मुझे तब तक भी नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। मैं कहा चलो ठीक है, देखी जाएगी, जो होगा। मेरे को बिल्कुल भी नहीं फील हो रहा था इतना भी कुछ हो गया है मेरे साथ। सब आसपास रो रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, मैंने कहा क्या हो गया ऐसा। तो उसके बाद तो तीन चार चार घंटे के MRI, उसके बाद तो पता ही नहीं चला 45 मिनट्स कहाँ गए। तो सर्जरी 22 अक्टूबर को हुई, इट स्टार्टेड मॉर्निंग एंड इट एंडेड टिल इवनिंग, जिसके अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस रही। हाँ, सर्जरी से एक दिन पहले रात को 12 बजे के बाद मुझे कुछ खाना नहीं था, तो वन ऑफ माई कलीग, उनको किसी सेवादार ने रात को 11:30 बजे हॉस्पिटल के रूम में, 12 बजे कुछ नहीं खाना था, 11:30 बजे हॉस्पिटल के रूम में मेरे पास गुरुजी के चरण स्वरूप, जल प्रसाद और 2 चपाती में हलवा लिपटा हुआ आ गया। सो वहाँ से मेरी और गुरुजी की जो जर्नी है, घमंड टूटना और जो कनेक्शन गुरुजी से जुड़ा मेरा, वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। आई वॉज स्पीचलेस, मतलब आंखों में आंसू थे, कुछ बोला नहीं जा रहा था, और किस तरह मुझे गुरुजी ये मिराकल दिखा रहे थे कि हॉस्पिटल के रूम में जो चरण स्वरूप मैं इतने टाइम से जा रही थी नहीं मिल रहे थे, वो हॉस्पिटल के रूम में मिल गए। सुबह 9 बजे सर्जरी स्टार्ट हुई, शाम को 6 बजे तक चली, ट्यूमर वगैरह रिमूव कर दिया, इट वॉज कैंसेरियस, ICU में शिफ्ट किया गया। हेड टू टो बॉडी का एक एक पार्ट वायर्स और कैनुलाज में था, और सिर के ऊपर से एक मोटी सी ट्यूब जा रही थी जो ब्लड क्लॉट्स ले रही थी। सो बाय डिफॉल्ट कुछ यहाँ पे वायर्स लगी थी, नर्स से कुछ गलत इंजेक्शन लग गया, एंड वेयर आई लॉस्ट माई ब्रेथ। रश्मि संगत जी, जब आप अपनी सांस जाते देखते हो ना, आई वॉज हाउलिंग, मुंह खुला था, आंखों से आंसू निकल रहे थे, मैं टैप कर रही थी कि मेरी सांस जा चुकी है। उस मोमेंट पे कोई रिश्ता याद नहीं रहता, आपके बच्चे, आपके फादर मदर, कुछ नहीं याद रहता, सिर्फ आपको अपना शरीर याद रहता है। आप एक सांस जो मांगते हो ना, वो एक सांस, हमें ये जो ह्यूमन बॉडी मिली है ना, मनुष्य का जीवन मिला है, we have to completely respect that and we are blessed to have that। हमारा दिल, दिमाग, बॉडी के सारे पार्ट्स काम कर रहे हैं, इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं हो सकती। आप रोज नया दिन देखते हो, उससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं हो सकती। एंड उस मोमेंट पे जब मैंने अपनी ब्रेथ को लूज किया, जब जाते हुए देखा, दैट पर्टिकुलर मोमेंट मुझे कुछ नहीं याद आ रहा था कि बाहर मेरे बच्चे खड़े हैं, मेरी कोई वेट कर रहा है, उस टाइम मुझे सांस चाहिए थी। एंड दैट मेड मी रियलाइज कि लाइफ इज सो ब्यूटिफुल। वहां पे गुरुजी ने बोला कि आप वैल्यू करो अपने ह्यूमन बॉडी को, नहीं वैल्यू तो एक हॉस्पिटल का चक्कर लगाया नहीं, उसके बाद भी अपनी एक उंगली या कुछ काट के देखो, पेन होएगा, अभी पिंच करके देखो पेन होएगा। उस टाइम जब आपको पेन होएगा ना, तो उस टाइम आपको घर वाले या कोई आपका नियर और डियर नहीं याद आएगा, उस टाइम आपको वो वैल्यू बॉडी की याद आएगी। सो रिस्पेक्ट दैट, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम सब यहाँ बैठे हैं, गुरु परिवार है, इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या चाहिए। आप रोज नया दिन देखते हो। सो उसके बाद थोड़ा ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स पे रखा, धीरे धीरे सांस वापस आने लगी, फिर थोड़े दिन बाद रूम में शिफ्ट किया मुझे। मुझे किसी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे कोई पैरालिटिक भी नहीं हुई। हाँ, इनिशियली मुझे प्रॉब्लम थी, बॉडी के राइट और लेफ्ट पार्ट बहुत डिफरेंट लगता था, मैंने डॉक्टर्स की जान खाती थी कि मुझे क्या हो गया, राइट और लेफ्ट पार्ट बॉडी का डिफरेंट है। तो देन ही मेड मी एक्सप्लेन, जब किसी का हाथ कट जाता है तो वो उस जगह से उठाने की कोशिश करता है बट हाथ नहीं है, सेम मेरे साथ हुआ। सो वो लाइफस्टाइल आप अडाप्ट कर लेते हो,
जैसे हो आप वैसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेते हो। चार पांच दिन बाद डॉक्टर मेहता रूम में आए तो उन्होंने बोला कि देखो राशि तुम बिल्कुल ठीक हो। अब उन्होंने मुझे फ़ोन दिखाया एंड आई हैड नो हेयर, आई वॉज बाल्ड। दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई एक्चुअली ब्रोक डाउन। सो वहाँ मेरा जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई, जब उन्होंने वो जो ड्रीम दिखाया था मेरे बाल पकड़ के फेंकना और मेरे बाल सिर पे नहीं होना, आई कुड को रिलेट दैट। सो उसके बाद बस धीरे धीरे ठीक होने लगे, गुरुजी के साथ इतना जुड़ गए कि अब तो बिल्कुल लाइक ही इज़ द बेस्ट। वो मतलब घर में रहते हैं, अंदर रहते हैं, हर जगह गुरुजी हैं। सो ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ कि वी आर टोटली ब्लेस्ड। Value your life as an individual, value yourself, value your body. Guruji ne aapko jo di hai, bas aise to bahut sare satsang hai, roz hi Guruji ke saath rehna hi ek satsang hai, sach ka sangh.